ओके गाइस, सो गुड इवनिंग. आज का हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपना 7:15 पे. ये जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है, ओके. एंड आज का जो लेक्चर है वो है नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोटेक्टेड एरियाज दैट इज नेशनल पार्क्स आर रिकॉग्नाइज्ड इन इंडिया. देखिए, जितने भी नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, ठीक है, उन सबका रिकॉग्निशन किसी ना किसी एक्ट के अंतर्गत है. तो ये आपको बताना है कि कौन से एक्ट के अंदर ये जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं इनको रिकॉग्नाइज किया गया है. जल्दी से फटाफट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. ऑप्शन ए एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ऑप्शन बी फॉरेस्ट राइट एक्ट, ऑप्शन सी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ओके, गुड इवनिंग धर्मेंद्र. जल्दी से ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, 1972 में आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्टेड एरियाज को रिकॉग्नाइज किया गया है. प्रोटेक्टेड एरियाज में क्या क्या आता है? आपका नेशनल पार्क आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आती हैं और कंजर्वेशन रिजर्व्स, कम्युनिटी रिजर्व्स आते हैं. ये जो आपके नेशनल पार्क्स हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इनको रिकॉग्नाइज करने का मतलब क्या है कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन रहता है, बहुत सारे लॉज हैं, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और यदि आप इनको ब्रेक करते हैं तो आपको पेनाल्टी, उसके साथ साथ जेल भी हो सकती है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही डिटेल्ड एक्ट है, ठीक है. इसके बारे में हम आगे के क्वेश्चंस में डिस्कस करते जाएंगे. आप अभी ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप याद कर रहे हैं, वो सब प्रोटेक्टेड हैं अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है. चलिए, अगला क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आर वर्मिन स्पीशीज इंक्लूडेड. वर्मिन स्पीशीज जो हैं वो कौन से शेड्यूल में इंक्लूडेड है? ऑप्शन ए शेड्यूल 1, ऑप्शन बी शेड्यूल 2, ऑप्शन सी शेड्यूल 5, ऑप्शन डी शेड्यूल 6. जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, वर्मिन स्पीशीज जो हैं वो कौन से आपके शेड्यूल में. देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, आप जब तक इसका आंसर कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में टोटल 6 शेड्यूल्स हैं, ठीक है. अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस, किसी भी जानवर की और वाइल्ड लाइफ, मतलब फ्लोरा या फौना, स्पेशली एनिमल्स के साथ ये डील करता है, कितनी इम्पोर्टेंस है, वो सब आपका अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से उसको डिवाइड किया गया है. शेड्यूल 1 में वो सारे जानवर आते हैं, वो सारे एनिमल्स हैं जिनका प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब जिनको आप यदि हंट करते हैं, किल करते हैं, उनका कोई भी ऑर्गन एलिमेंट आपके घर पे या आपके कहीं पे भी आपके पास मिलता है तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट पेनाल्टी लग सकती है, ठीक है. ऐसे अलग अलग, फिर शेड्यूल 2, शेड्यूल 3 थोड़ा और लीनियंट होता जाता है. ओके, वेरी गुड पूजा, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. शिव, आपका भी सही आंसर है. शेड्यूल 5 इज द राइट आंसर, ठीक है. शेड्यूल 5 में आपका जो वर्मिन स्पीशीज वो सारी स्पीशीज होती हैं जिनको आप हंट कर सकते हो, जिनको आप आसानी से मार सकते हो और आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, ठीक है. इसमें आता है रैट, माइस, ठीक है, क्रो, और एक और कोई सा स्पीशीज है, टोटल आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. 4 स्पीशीज इंक्लूडेड है शेड्यूल 5 में. तो शेड्यूल 5 में वर्मिन स्पीशीज होते हैं. वर्मिन स्पीशीज क्या होते हैं? जिनको आप किल कर सकते हैं, जिनको आप मार सकते हैं, ठीक है. शेड्यूल 6 में क्या है? शेड्यूल 6 में कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, कुछ फ्लोरा की स्पीशीज हैं, प्लांट्स हैं जिनको अगर आपको कल्टिवेट करना है, ठीक है, जिनको आपको उगाना है, जिनको कल्टिवेशन उनका करना है, तो आपको उसके लिए लाइसेंस या परमिशन लेना पड़ता है जो भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी होगा उससे. तो शेड्यूल 6 में वो सारे प्लांट्स आते हैं. तो ये ध्यान रखिएगा, शेड्यूल 6 में आते हैं आपके प्लांट्स और इनके लिए आपको लेना होता है लाइसेंस, ठीक है. शेड्यूल 5 में आते हैं वर्मिन स्पीशीज. वर्मिन स्पीशीज क्या है? जिनको आप मार सकते हैं, जिनको किल कर सकते हैं और आपके ऊपर कोई पेनाल्टी नहीं लगेगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. टोटल 6 शेड्यूल्स हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में. सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट पेनाल्टी और पनिशमेंट होता है शेड्यूल 1 में जो जानवर इंक्लूडेड हैं, जैसे ब्लैक बक, टाइगर, राइनोसोरस, ये सारे आपके शेड्यूल 1 में हैं. इनका यदि आप पोचिंग, हंटिंग कुछ भी करते हैं तो आपको बहुत स्ट्रिक्ट पेनाल्टी, जेल भी हो सकती है. अगला क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. देखिए,
जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसी के अंतर्गत नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ एक नेशनल बोर्ड बनाया गया है, उसकी संरचना की गई है। इसका काम क्या है, पूरी पॉलिसी फॉर्मेशन करना वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने के लिए, जो भी आपके जंगली जानवर हैं, जंगली स्पीशीज हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ है। और ये नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ क्या करता है, पॉलिसी मेकिंग करता है, पूरा सजेस्ट करता है गवर्नमेंट को कि हमको आगे क्या क्या डिसीजंस लेने हैं। जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड वो सारे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ करता है, नीति निर्माण से लेके फाइनल डिसीजन मेकिंग तक। तो आपको ये बताना है कि इसका चेयरमैन कौन होता है, ठीक है। ऑप्शन ए मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, ऑप्शन बी प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन सी कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन डी मेंबर ऑफ नीति आयोग। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इसका जो आपका चेयरमैन है वो कौन होता है। ओके चलिए, सही आंसर है प्राइम मिनिस्टर। देखिए जो प्राइम मिनिस्टर है वो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का चेयरमैन होता है, और ये नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है आपका ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही बनाया गया है। स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ का जो चेयरमैन होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर जो है, मुख्यमंत्री जो है, वो स्टेट बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के बेसिकली क्या काम है, कोई भी नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका एरिया यदि आपको चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, तो नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के परमिशन से ही आप कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एरिया इन इंडिया कम्स अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज। देखिए प्रोटेक्टेड एरियाज जो है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये कौन कितना परसेंट एरिया कवर करते हैं। देखिए आप, इम्पॉर्टेंट है ये चैप्टर बहुत ज़्यादा, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फॉरेस्ट के लिए भी प्रीलिम्स हमारा कॉमन होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फॉरेस्ट के लिए प्रीलिम्स यदि कॉमन हो रहा है तो फॉरेस्ट रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर, क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि कितना परसेंट एरिया जो है हमारा वो प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है। देखिए हिंदी में तो बेसिकली क्वेश्चंस नहीं बना पा रहे हैं, वेरी वेरी सॉरी। ओके थर्ड का बी आंसर बिल्कुल सही बोला है आपने। अब आप फोर्थ का आंसर जल्दी से बताइए, कितना परसेंट एरिया जो है आपका वो प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है। प्रोटेक्टेड एरिया से आपका क्या मतलब है, प्रोटेक्टेड एरिया से हमारा मतलब है नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए 5.03%, बिल्कुल सही जवाब है ये, 5.03% नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व, ये चार टाइप के प्रोटेक्टेड एरियाज आपके रिकॉग्नाइज्ड हैं। चारों को मिला के आपका आता है 5.03% एरिया पूरे इंडिया का, लैंड का एरिया जो है वो आपका प्रोटेक्टेड एरियाज में आता है, ठीक है। 104 नेशनल पार्क हैं टोटल, ये ध्यान रखिएगा, 104 नेशनल पार्क है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है 566, ये लेटेस्ट डेटा स्कीम है, इसका एक पोर्टल भी है, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। ये जो एनविस स्कीम है इसमें आपको सारा डेटा, गवर्नमेंट अपडेटेड डेटा, उतने हमारे यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, ये सारी चीजें तो आप ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए अगला सवाल है, विच नेशनल पार्क इन इंडिया हैज हाइएस्ट टाइगर डेंसिटी, सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी जो है वो कौन से नेशनल पार्क में है। ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी पेंच, ऑप्शन डी बांधवगढ़ नेशनल पार्क। देखिए हमने कल टाइगर की बात की थी, 526 टाइगर्स एमपी में हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा टाइगर तो एमपी में है, लेकिन टाइगर डेंसिटी, डेंसिटी मतलब कम एरिया में सबसे ज्यादा टाइगर कहाँ पर है, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए हाइएस्ट टाइगर डेंसिटी, ठीक है, घनत्व टाइगर का जो है वो सबसे ज्यादा किस एरिया में है। ओके वेरी गुड, आई होप आप लोग सब आंसर दे रहे हैं और आपको मजा भी आ रहा है। देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, हेलीज नेशनल पार्क भी इसका नाम है, ये ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये। 1936 में ये पहला नेशनल पार्क है इंडिया का जो बनाया गया था, और 1936 में आपका ये जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थापित है,
हेलीज नेशनल पार्क है और ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क है. ठीक है, देखिए सॉरी, आज आई गेस मौसम के कारण थोड़ी इंटरनेट कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है, तो आज की क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब रहेगी, दैट इज वाई हमारी लाइव क्लास उतनी ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पा रही है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश. सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में कौन सा है. ऑप्शन ए सतपुरा, ऑप्शन बी कान्हा, ऑप्शन सी पेंच, ऑप्शन डी बांधवगढ़. कौन सा नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. सतपुड़ा, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़. कौन सा नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है वो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जल्दी से ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देखिए. ओके, वेरी गुड, कान्हा जो है बिल्कुल सही आंसर है. कान्हा नेशनल पार्क जो है 940 स्क्वायर किलोमीटर में ये मंडला में. आज डिले चल रहा है लेक्चर, तो मैं आपके आंसर्स जो है वो टाइम पे नहीं देख पा रही हूँ कुछ नेटवर्क इश्यूज के कारण. तो अभी हमारा जो क्वेश्चन है, सबसे छोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में कौन सा है. स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये है राला मंडल. ठीक है, इंदौर में ये स्थापित है राला मंडल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और इसी के साथ सबसे बड़ी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है नौरा देही जो सागर में है. ठीक है, तो राला मंडल इज द राइट आंसर, ये स्मॉलेस्ट है और नौरा देही जो है ये लार्जेस्ट है. ठीक है, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नौरा देही सागर में है और राला मंडल जो है ये इंदौर में है. सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कूनोपालपुर श्योपुर में है, जिसको अब नेशनल पार्क का दर्जा मिल चुका है. और जो आपकी बोरी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये होशंगाबाद में है. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल ध्यान रखिएगा. इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि एमपी का एग्जाम है, तो एमपी के जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क हैं सॉरी डायरेक्टली उनको पूछा जा सकता है कि कहाँ पे ये एस्टैब्लिश्ड है. चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड. वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है. ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी देहरादून, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी मसूरी. जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. ओके, एट्थ क्वेश्चन कोई बात नहीं, हम कल इंक्लूड कर लेंगे. ठीक है, कुछ इशू हो गया होगा मे बी नेटवर्क में, तो कोई इशू नहीं है, हम उसको बाद में इंक्लूड कर लेंगे, है ना. अभी जो चल रहा है हम उसको कंटिन्यू करते हैं. वेयर इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड, जल्दी से कमेंट. ओके, वेरी गुड, देहरादून में है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है बेसिकली ये क्या है, रिसर्च डेवलपमेंट का काम करता है वाइल्ड लाइफ के ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा. एट्थ क्वेश्चन आई गेट स्किप हो गया है, तो एट्थ क्वेश्चन बता देती हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है ये. ये जो लेटेस्ट नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में अभी कूनोपालपुर है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, लेकिन ये अभी रिसेंटली ये इसको कूनोपालपुर नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है. ठीक है, इसमें मैंने ये बताया कि जो आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहाँ पे प्रोटेक्शन कंपैरेटिवली कम होता है, वहाँ के रूल्स कंपैरेटिवली कम स्ट्रिक्ट होते हैं, नेशनल पार्क्स में प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होता है. और नेशनल पार्क को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डाउनग्रेड नहीं कर सकते, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. इसीलिए जो कूनोपालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको हमने नेशनल पार्क में अपग्रेड कर दिया है एमपी गवर्नमेंट ने, और ये करता कौन है, स्टेट गवर्नमेंट ही डिक्लेयर करता है. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिक्लेयर करता है कि कौन सा एरिया हमको नेशनल पार्क बनाना है और कौन सा एरिया हमको स्टेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिक्लेयर करना है. ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर गैंगेटिक डॉल्फिन्स इज एस्टैब्लिश्ड एट विच प्लेस. देखिए गैंगेटिक डॉल्फिन के बारे में हम सब जानते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज है ये. ठीक है, और गैंगेटिक डॉल्फिन जो है ये अभी हमको एमपी में कहाँ मिलती है, चंबल में. इसका पॉपुलेशन जो है काफ़ी डिक्रीज हो गया है, चंबल में हमको गैंगेटिक डॉल्फिन्स मिलती है. ठीक है, और ये जो है नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है हमारा. ठीक है, नेशनल एनिमल, नेशनल एक्वाटिक एनिमल गैंगेटिक डॉल्फिन को डिक्लेयर किया गया है. इसके प्रिजर्वेशन के लिए एक नेशनल ऑब्जर्वेटरी जो है ये बनाई जा रही है बिहार में, ये ध्यान रखिएगा, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बिहार में
विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन्स ऑब्जर्वेटरी जो है उसके प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन के लिए रिसर्च के लिए एस्टैब्लिश की जा रही है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एंडेंजर्ड एनिमल है और नेशनल एक्वाटिक एनिमल भी है हमारा गैंगेटिक डॉल्फिन। ये बेसिकली गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज में हमको मिलती है ये फिश, इसीलिए इसका नाम है गैंगेटिक डॉल्फिन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विच टाइगर रिजर्व हैज बीन इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंडर मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम लेटली। ठीक है, देखिए ये मैं बता देती हूं, जो मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है आपका, ये है यूनेस्को का प्रोग्राम। ठीक है, यूनेस्को का प्रोग्राम है ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व। इसमें बेसिकली क्या करना होता है, देखिए बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, ऐसे रीजन्स हैं जो नेचुरली कल्चरली दोनों ही बहुत रिच हैं। ठीक है, वहाँ का कल्चरल जो हेरिटेज है वो भी बहुत रिच है और नेचुरली भी वो बहुत रिच है, उनको हमको प्रिजर्व करना है क्योंकि वो नेचर के थ्रू भी हमको हेल्प कर रहे हैं, साथ में वो वहाँ की कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मैन एंड बायोस्फीयर मतलब क्या है कि इंसान का हम कोऑर्डिनेशन कराते हैं साइंटिफिक तरीके से नेचुरल चीज़ों से। ठीक है, इसमें ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व्स में कोर जोन होता है, बफर जोन होता है और ट्रांजिशन जोन होता है। ठीक है, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इनको यूनेस्को का एक प्रोग्राम है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, उनके अंदर यदि रिकॉग्निशन मिलता है तो इनका इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं इंडिया में, जिसमें से 11 जो हैं ये इस प्रोग्राम में इंक्लूडेड है, और सबसे लेट जो एमपी में इंक्लूड किया गया है वो है पन्ना। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये अभी 2020 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। पहले से पचमढ़ी और अमरकंटक तो थे ही, लेकिन अभी 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को भी हमने जो है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गया है यूनेस्को के प्रोग्राम के अंदर। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो 2011 में बनाया गया था और 2020 में इसको इंटरनेशनल जो रिकॉग्निशन है वो मिला है। ओके, चलिए वेरी गुड प्रतीक, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अभिषेक, अचानक अमरकंटक पचमढ़ी पहले से इंक्लूडेड है, ठीक है, अभी रिसेंटली पन्ना को इंक्लूड किया है, है ना, अचानक अमरकंटक और पचमढ़ी दोनों पहले से इंक्लूडेड है एज अ बायोस्फीयर रिजर्व। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड। ठीक है, टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं हमने पढ़े, जिसमें से 11 जो हैं वो मैप जो प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ये यूनेस्को का प्रोग्राम है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं वो, कम्युनिटी और फॉरेस्ट का एंगेजमेंट, कम्युनिटी और वाइल्ड लाइफ या फॉरेस्ट का एंगेजमेंट करके वहाँ पे लाइवलीहुड जनरेट करना, प्रिजर्व करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना, ये सारे काम करने का काम है बेसिकली किसका, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का। ठीक है, तो जो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व है ये जल्दी से ऑप्शन, ओके वेरी गुड, मेघालय में है ये, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मेघालय में है। बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं, टोटल 18 हैं, एक बार उनके नाम देख लीजिएगा, मैप पे देख लीजिएगा कि कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन हैज बीन कैरिड आउट फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एनवायरमेंटल क्राइम बाय इंटरपोल एंड वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन अभी 2020 में चलाया गया था, ठीक है, और ये जो ऑपरेशन है ये एनवायरमेंट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए है। एनवायरमेंट क्राइम से क्या मतलब है आपका, ये जो जितने भी स्मगलिंग होती है प्लांट्स की, जो आपके रेगुलेटेड प्लांट्स हैं, उसके अलावा एनिमल्स की पैंगोलिंस वगैरह का कल्टीवेशन होता है, हमको पता है पोचिंग होती है, हंटिंग होती है, ठीक है, उनकी स्किन से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं तो उसके लिए उनकी पोचिंग होती है, लेकिन ये एनवायरनमेंट को हार्म करता है। तो ये जो इनकी जो ट्रेड है इसको रोकने के लिए, ठीक है, इलीगल ट्रेड को रोकने के लिए, एनवायरनमेंट के क्राइम को रोकने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम है ऑपरेशन थंडर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल 2020 में ये न्यूज़ में था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑपरेशन थंडर जो था एनवायरनमेंट क्राइम को कंट्रोल करने के लिए था। ओके वेरी गुड आदित्य, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। एंड ये जो क्लासेज हैं हमारी रेगुलरली 7:15 पे चल रही हैं, ठीक है, एंड आई एम रियली सॉरी, थोड़ी बीच में कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है बिकॉज कई बार शायद वेदर साथ नहीं देता है, कभी कभी इंटरनेट कनेक्टिविटी साथ नहीं देती है,
बट ऑल दो कहीं ना कहीं 2-5 मिनट के लैग के साथ हमारा लेक्चर चलता रहता है और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें कराए जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल समय से ये सारे क्वेश्चंस करते रहिए और अपना रिविजन करते रहिए, ठीक है? वेरी गुड. चलिए अगला क्वेश्चन है, वेयर इज पक्के टाइगर रिजर्व सिचुएटेड. पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये कौन से स्टेट में सिचुएटेड है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी तमिलनाडु. फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये कौन से स्टेट में एस्टैब्लिश्ड है. देखिए ये सारे जितने भी टाइगर रिजर्व्स वगैरह हैं ये हमारा न्यूज़ में रहे हैं, इसीलिए इनको मैंने इसमें इंक्लूड किया है. उसके अलावा आप एक बार चाहें तो नेशनल पार्क्स इन इंडिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन इंडिया, एमपी में स्पेशली ओवरऑल आप देख लीजिए. इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू लर्न. उसको 2-3 बार मैप में देखेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे कौन कौन से स्टेट में है, तो वो अपने आप याद हो जाता है, ठीक है? और जो इम्पोर्टेंट है वो हमने यूज़ किया है, अरुणाचल प्रदेश में जो है वो पक्के टाइगर रिजर्व इंक्लूडेड है, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश में पक्के टाइगर रिजर्व जो है ये सिचुएटेड है. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ओके. हेलो प्रतीक, हेलो आशुतोष, आई गेस यू गाइज आर न्यू स्टूडेंट्स हियर, ठीक है? आप लोगों को पहली बार देख रही हूँ मैं. शिल्पा, अरुण, प्रतीक, ये सारे नए स्टूडेंट्स हैं. आदित्य वगैरह, आप अनिल, आप लोग तो अब रेगुलर स्टूडेंट्स हो गए हैं हमारे. चलिए गुड. अगला क्वेश्चन है, लोकस्ट रिसेंटली इन न्यूज़ बिलोंग टू विच फैमिली ऑफ स्पीशीज. आपने देखा होगा लोकस्ट जो ग्रासहॉपर्स थे आपके, ठीक है? इंपॉर्टेंट हो जाता है ये. ये बेसिकली पाकिस्तान से ओरिजिनेट होके राजस्थान होते हुए फिर हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, ठीक है, फिर एमपी में आए हैं और इन्होंने काफ़ी क्रॉप्स को डैमेज किया है, ठीक है? लोकस्ट क्या होते हैं? बेसिकली ग्रासहॉपर होते हैं, ये इंसेक्ट्स होते हैं एक तरह के. और ये क्या होता है, अकेले कुछ नहीं कर पाते, वो होते हैं ना अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन जब ये ग्रुप में होते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं और ये बहुत हानिकारक हो जाते हैं सारे क्रॉप्स के लिए, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है. ये जो फैमिली है ये बिलोंग करती है एक्रिडिडे, ठीक है, ACRIDIDAE. और 4 स्पीशीज इनकी पाई जाती हैं. डेजर्ट लोकस जो है हमारे यहाँ पे था अभी, जिसने हार्म किया था सबसे ज्यादा, डेजर्ट लोकस्ट ने यहाँ पे हार्म किया था. टोटल 4 स्पीशीज इनकी मिलती हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है लोकस्ट अटैक, इसको एक बार आप गूगल कर लीजिए और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ लीजिए. जो इंपॉर्टेंट है ये आ सकता है एक्रिडिडे ग्रासहॉपर जो है आपका, इस फैमिली को ये बिलोंग करते हैं और ये जो है पाकिस्तान से ओरिजिनेट होके, ठीक है, मोस्टली इनको थोड़ा सा ड्राई और डेसीडियस मॉइस्ट टेम्परेचर चाहिए होता है. जहाँ भी इनको मॉइस्चर मिलता है, जहाँ पे भी इनका टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब मीडियम रेंज का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में और थोड़ा बहुत मॉइस्चर मिलता है, तो ये जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, ठीक है? चलिए वेरी गुड अंजलि, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. अगला क्वेश्चन है, लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. अभी रिसेंटली एक लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है ये रिलीज हुई है. आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि जो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट है ये आपकी कहाँ से रिलीज होती है. ऑप्शन ए वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी UNEP, ऑप्शन डी FAO. ठीक है, अभी रिसेंटली लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है ये आई है 2020 में. तो ये जो है, ओके वेरी गुड, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने. लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है ये वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंटरनेशनल गवर्नमेंटल एजेंसी है, ये इंटर गवर्नमेंटल जो एनवायरमेंट के लिए काम करती है, ठीक है? और इसने बेसिकली लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है. उसमें प्लैनेट पे, अर्थ पे कितना ज़्यादा हार्म हो रहा है, क्या क्या चीज़ें रिड्यूस होती जा रही हैं, इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं, वेटलैंड्स हैं, मैनग्रोव्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है कि इनका रिडक्शन हो रहा है, इनको कैसे हार्म हो रहा है, एंड अगेन इनका फिर हमारे ऊपर क्या हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? कल हमने UNEP की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, एमिशन गैप रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा एमिशन गैप रिपोर्ट, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, PM कुसुम स्कीम लॉन्च्ड इन 2018 इज एम्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिव. देखिए एक PM कुसुम स्कीम है, इसका फुल फॉर्म क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए. इसका मेन एम क्या है ये जल्दी से आप मुझे आंसर करके बताइए. ऑप्शन ए सब्सिडी टू फार्मर्स, ऑप्शन बी कैश इंसेंटिव देना है,
ऑप्शन सी जनरेशन ऑफ सोलार एनर्जी, ऑप्शन डी जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। चलिए जब तक आप आंसर कर रहे हैं, देखिए कैश इंसेंटिव तो इसका आंसर नहीं है, क्योंकि कैश इंसेंटिव के लिए है पीएम किसान, ये भी इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। 2000 रुपये की किश्त बनती है, एक टोटल 6 किश्त बनती है इसकी, 6000 रुपये सालाना इसमें दिया जाता है फार्मर्स को, जो भी नीडी फार्मर्स हैं। ये जो पीएम कुसुम स्कीम है, वेरी गुड अनिल, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, ठीक है। सी इसका आंसर है जनरेशन ऑफ सोलार एनर्जी, ठीक है। सोलार पंप्स को इंक्लूड करने के लिए बेसिकली है ये, कि जो हम जो वहां पे आपके फार्मर्स जो पंप वगैरह यूज करते हैं पानी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो सोलार एनर्जी से यदि जनरेटेड हो, तो हमारा बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है कोल के थ्रू जो हो रहा है नॉन रिन्यूएबल फॉर्म में, वो कम हो जाएगा। तो ये पीएम कुसुम स्कीम जो है जनरेशन ऑफ सोलार एनर्जी, सोलार पंप्स को अपने खेत में लगाने के लिए ये स्कीम लाई गई है, इम्पॉर्टेंट स्कीम है, इसके बारे में और डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, वेरी महाअभियान, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने आदित्य। तो पीएम कुसुम और पीएम किसान स्कीम अलग है, पीएम किसान स्कीम जो है ये कैश इंसेंटिव के लिए है, 6000 रुपये पर ईयर आपको मिलने वाले हैं, मतलब किसानों को मिलने वाले हैं, वेरी गुड। हाँ, जो किसान है इसमें इम्पोर्टेंट, एक और अभिषेक आपने बताया कि वो अपना जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सेल भी कर सकते हैं, तो हम जानते हैं कि किसानों को 2022 तक उनकी इनकम हमारा डबल करने का एम है, और उसके अलावा आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है, तो ये अलग अलग तरीके से हम किसानों की जो इनकम है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा सोलार प्रोजेक्ट, वो भी फ्लोटिंग सोलार प्रोजेक्ट, तैरता हुआ सोलार प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में बनने वाला है, और ये कहाँ बनने वाला है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। बहुत ही प्राउड की बात है कि अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं एमपी में, एक रीवा में हमारा अल्ट्रा सोलार मेगा प्लांट जो है वो बनी चुका है 750 मेगावाट का, ओके वेरी गुड शुभम, अतुल बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। खंडवा में ये फ्लोटिंग सोलार प्लांट जो है 600 मेगावाट का ये स्थापित होना है, ठीक है, चलिए गुड। अगला क्वेश्चन है, बीज अमृतम वहा पासा बीज, ठीक है, टर्म आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं बीज अमृत वहा पासा, इसके अलावा और भी हैं 3-4 नाम, ये सारे जो हैं ये आपके किस चीज से रिलेटेड हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके वेरी गुड, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग इज द राइट आंसर। देखिए जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग का क्या है, नो केमिकल यूज, बिल्कुल भी हम केमिकल्स का यूज नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम फार्मिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कम से कम पानी का हमको यूज करना है, वहाँ पास हमें पानी और हवा का है, कि कैसे हम बार बार प्लफिंग करते हैं यदि, तो एरेशन जो है सॉइल का एरेशन इम्प्रूव होता है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका सीड्स हैं वो भी हम नेचुरल यूज करेंगे, नीम कोटिंग करके करेंगे, ठीक है, नीम की कोटिंग करेंगे जिससे कि उस पर पेस्टिसाइड इंसेक्ट, नीम मिर्ची यूज करेंगे हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड के लिए। उसके अलावा काउ डंग काउ यूरिन को यूज करना है हमको मैन्योर के लिए, ठीक है। हम सब जानते हैं कि हम बहुत सारा पेस्टिसाइड जो है यूरिया वगैरह यूज करते हैं, नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, उसकी जगह जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में हम क्या करने वाले हैं, नेचुरल चीज़ें यूज करने वाले हैं, काउ डंग काउ यूरिन जो आपका बेसन का पाउडर होता है उन सबको यूज करना है हमको फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए, ठीक है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के लिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग अलग होता है, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में क्या है कि बिना पैसा इन्वेस्ट किए आर्टिफिशियल केमिकल्स पे हमको नेचुरल तरीके से हम कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड। देखिए पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा न्यूज में भी रही है। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पे सिचुएटेड है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा आप ये ध्यान रखिएगा, एक इंडियन राइनो विजन है, राइनो ये जो राइनोसोरस है आपका, वन हॉर्न राइनो, ठीक है, एक हॉर्न रहता है उसका ऐसा बड़ा सा उसके सर पे, तो ये जो है
ये वल्नरेबल स्पीशीज है अकॉर्डिंग टू IUCN, ठीक है। इंडियन राइनो विजन जो है 2020 तक इनको क्या करना था, राइनोसोरस की पॉपुलेशन को बढ़ाना था। ये जो हॉर्न होता है इसका, इसके लिए इसकी पोचिंग की जाती है, ठीक है। इसका हॉर्न से काफी सारी चीजें बनती हैं जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये जो, वेरी गुड, सभी ने सही जवाब दिए। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये असम में है, और काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा से हमको पोबितोरा में सिचुएट करना था, ट्रांसफर करना था राइनोस को। क्यों? क्योंकि यदि सपोज कोई सारे जानवर एक ही जगह पे सिचुएटेड है और वहां पे कोई बीमारी फैल जाती है तो पूरा का पूरा स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो ये हमको नहीं करना है, इसीलिए ये जो पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये असम में, और उसके अलावा ओरांग नेशनल पार्क है, यहाँ पे हमको जो राइनोज हैं उनको सिचुएट करना था, उनको ट्रांसफर करना था। तो ये अब काफ़ी सक्सेसफुली हो गया है। तो ये सारे जो असम के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्टेट बर्ड कौन सी है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ये क्वेश्चन तब आया था जब मैंने PSC दिया था 2018 में, तो काफ़ी शौक लगा था मुझे कि इतना आसान क्वेश्चन कैसे आ गया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आसान चीज़ों को आप छोड़िएगा मत, ये सोच के कि ये तो हमसे बन जाएगा। जो आसान चीज़ें हैं वो सबसे बनती हैं, इसलिए उनको ज़्यादा रिवाइज करिए। स्टेट बर्ड मध्य प्रदेश का कौन सा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ओके, वेरी गुड। पैराडाइज फ्लाई कैचर, शाह बुलबुल भी बोलते हैं, बहुत ही सुंदर सी बर्ड होती है, ब्लू वाइट कलर की, इसको देख लीजिएगा। ये जो है मध्य प्रदेश की स्टेट बर्ड है और बहुत ही सुंदर लगती है ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्टेट फ्लावर ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट फ्लावर ऑफ मध्य प्रदेश कौन सा है? ओके, टॉपर्स टॉक, गुड, लगता है आप सारे टॉपर्स से ही बात करते हैं, आपने मुझे दीदी बोला, आई फेल्ट गुड। फॉरेस्ट कट ऑफ कितना जाता है आई डोंट नो, लेकिन आप ट्राई करिए कि आप जो CSAT का पेपर है उसको बहुत अच्छे से दो, ईजी होता है पेपर उसका भी, क्योंकि वेटेज होता है आपका फॉरेस्ट में एडेड। तो यदि आप MBBSC में अच्छे खासे नंबर ले आते हो 70 के आसपास, और सिमिलरली आप फॉरेस्ट में भी अगर 85 के आसपास नंबर ले आते हो, बट आपको फॉरेस्ट में नंबर बहुत अच्छे लाने पड़ेंगे और उसमें स्कोर करना आसान है। तो फॉरेस्ट के एग्जाम पे भी अच्छे से, सॉरी CSAT के एग्जाम पे भी अच्छे से फोकस करिए, ठीक है। देखिए जो इसका आंसर है वो है ब्यूटियो मोनोस्पर्मा, पलाश या का फूल भी हम इसको बोलते हैं, या वाइट लिली भी बोलते हैं, ठीक है। सिरोई लिली नहीं है, वाइट लिली बोल देते हैं, या ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, ये इसका नाम है, पलाश का फूल होता है, पैरट ट्री भी हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। अलग अलग नाम है ये, ध्यान रखिएगा, किसी भी नाम से आ सकता है। तो ये जो है स्टेट फ्लावर होता है मध्य प्रदेश का। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड, खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पर सिचुएटेड है? ऑप्शन ए खंडवा, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी सीहोर, ऑप्शन डी ग्वालियर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये कहाँ पर है? देखिए ये जो है सीहोर में है, सीहोर और देवास, ठीक है, दोनों जगह पे ये स्थापित है, बॉर्डर पे, मतलब सीहोर देवास दोनों में आती है खेवनी, इम्पॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। आप एक बार प्लीज़ MP में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनको पढ़ लीजिए, है ना। और अगर आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप NVIS की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर आपको सब मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप पढ़ लीजिए एक बार कि कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहाँ पर सिचुएटेड हैं, और कौन से नेशनल पार्क कहाँ पर हैं, टाइगर रिजर्व MP में कितने हैं। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर लार्जली फाउंड इन MP? सबसे ज़्यादा MP में फॉरेस्ट कौन से प्रकार के मिलते हैं? ऑप्शन ए ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसीडियस, ऑप्शन बी ट्रॉपिकल डेसीडियस, ऑप्शन सी एवरग्रीन, ऑप्शन डी थॉर्नी। देखिए एक हिंट दे देती हूँ मैं, जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंडिया में है उसी टाइप के सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट MP में भी हैं, ठीक है। ओके, वेरी गुड। ट्रॉपिकल ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट जो है ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ड्राई डेसीडियस जो है, पर्णपाती वन इनको बोलते हैं, अब सॉरी यार हिंदी के टर्मिनोलॉजीज में भूल चुकी हूँ काफ़ी सारी। ड्राई डेसीडियस फॉरेस्ट जो है,
ठीक है, सूखे पत्ते वाले जो झड़ने वाले वृक्ष होते हैं वो सबसे ज्यादा इंडिया में भी और एमपी में भी दोनों जगह ये मिलते हैं। और इसके अलावा आप डिवीजन फॉरेस्ट का बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, एमपी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये जो है इनको भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फॉरेस्ट वाला चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक और चीज मैं सजेस्ट करूंगी, फॉरेस्ट की जो वेबसाइट है मध्य प्रदेश की उसको आप विजिट कर लीजिए, उस पर आपको बहुत सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फॉरेस्ट की जो वेबसाइट है मध्य प्रदेश की उसको एक बार विजिट करिए, देखिए ये सारी चीजें आप आराम से चलते फिरते करिए, बिकॉज इसमें जो है लोड लेके हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। लोड लेके यदि जब हम पढ़ते हैं चीजें याद करने के लिए तो चीजें याद नहीं होती हैं। कुछ चीजें आप आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ो भाई, मध्य प्रदेश में काम करना है आपको, मध्य प्रदेश में कौन से वन है, कितना टाइप का डिविजन है, जब आप अपने माइंड से ये चीज हटाएंगे ना कि हमको उनको याद करना है, ये चीज आप हटा देंगे जब आप थोड़ा इंटरेस्ट के लिए पढ़ेंगे तो 50% चीजें आपको खुद ब खुद याद हो जाएंगी, बाकी 50% के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो 10-12 बार पढ़ोगे तो अपने आप आपके दिमाग में चीजें याद हो जाएंगी, जैसे बचपन से ABCD अभी तक याद हो गया है वैसे ही बाकी चीजें भी हो जाएंगी। तो एकदम चिल मार के रिलैक्स माइंड से मेहनत करते हुए हमको पढ़ना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, कल के लेक्चर में हम मिलते हैं 7:15 बजे। और ऑनेस्टली बताऊं तो आप ये लेक्चर्स जो है ये आपके रिवीजन के लिए हैं, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट इसके अलावा जो आप चीज़ें पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहिए। अकॉर्डिंग टू मी ये लेक्चर्स आपके लिए हेल्प करेंगे टेस्ट सॉल्व करने के लिए, थोड़ा बहुत आपका जो बेसिक चीज़ें उनको रिवाइज करने के लिए, ठीक है। बाकी आप जो अपना ल्यूसेंट एमपी के लिए जो किताब पढ़ रहे हैं वो टेस्ट सीरीज वगैरह अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ओके, थैंक यू सो मच।